नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। आज हम आपके पास एक ऐसी ट्रिक लेकर आ रहे हैं जिससे अगर आप ये पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आज हम आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके बारे में बताएंगे, उनमें वेवलेंथ और एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हैं, देखो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंट्रा लाइट, यूवी रे, एक्सरे, गामा रे, ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें सबसे अधिक वेवलेंथ रेडियो की होती है, और रेडियो की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और एनर्जी सबसे कम होती है। और नीचे जाते हैं तो इस गामा रे की वेवलेंथ सबसे कम होती है और एनर्जी सबसे अधिक होती है। गामा रे की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है और एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पर वेवलेंथ घट रही है और एनर्जी बढ़ रही है। तो इससे एक बात और समझ में आई, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर एनर्जी अधिक होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ अधिक होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, समझ में आया। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका देखें। इसको एक कहानी से याद करते हैं। एक लड़का होता है, वो एक लड़की से बोलता है, उसका नाम होता है रानी मुखर्जी। वो उससे बोलता है, रानी मुखर्जी आई लव यू। तो यहाँ पे देखो, रानी से क्या हो गया, रेडियो, रानी मुखर्जी आई लव यू, उसने आई लव यू बोल दिया। अब बहुत दिन ऐसे चलता रहा, आगे उस लड़की को कोई और अच्छा लग गया तो उसे छोड़ के कहीं अंदर चली गई। तो वो उसे छोड़ गई तो वो एक्स गर्ल हो गई, यहाँ पे छोड़ गई तो एक्स गर्ल हो गई, एक्स से एक्स और जी से गर्ल, एक्स गर्लफ्रेंड हो गई वो उसकी। तो ठीक है, इसे ऐसे याद करेंगे। इसको वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और एनर्जी को ई से। अब यहाँ पे ये देखें, सबसे अधिक वेवलेंथ है रेडियो की और ऊपर से नीचे जाने पर वेवलेंथ घट रही है और एनर्जी बढ़ रही है। और सबसे अधिक एनर्जी किसकी होगी, गामा रे की। सबसे कम वेवलेंथ गामा रे की होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आगे लेके आते रहेंगे आपके लिए ऐसी ट्रिक। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल सके और वो भी हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।